हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने उसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, चेन रूल के बारे में पढ़ा। अब हम उसका कुछ और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। मीन वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम में जाने से पहले कुछ चीजें हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी चीजें। नंबर एक, लोकल मिनिमा। नंबर दो, लोकल मैक्सिमा। इन दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम कोई फंक्शन में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। एक ग्राफ से देखते हैं कैसे हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है कुछ इस तरह से, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है। इस पॉइंट पर बात करें, इसको नाम देते हैं ए, ये पॉइंट पर नाम देते हैं बी। अगर ध्यान से देखते हैं हम इस ए पॉइंट पर, हम एक इंटरवल बना सकते हैं जहां पर एफ ए की वैल्यू इस इंटरवल में ये एफ ए हमेशा छोटा है एफ एक्स से, इसको आप नाम दे दो ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा, फॉर ऑल एक्स इन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। यहां पर इस बी पॉइंट पर ये आपका एफ बी है, इस बी पर एक हमें नेबरहुड मिल जाता है जहां पर ये क्या हो रहा है, एफ बी, एफ बी हमेशा बड़ा है। देखो एफ बी की, अगर मैं ये वाला पॉइंट उठाता हूं, इसको एक्स कहता हूं, तो ये एफ एक्स और एफ बी को अगर रिलेट करें तो एफ बी बड़ा है किससे, एफ एक्स से। और ये सभी के लिए ट्रू है, इसको आप बी माइनस एप्सिलॉन नाम दो, बी प्लस एप्सिलॉन, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन बी माइनस एप्सिलॉन एंड बी प्लस एप्सिलॉन। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर इस तरह से बिहेव कर रहा, अगर ऐसा बिहेव करेगा तो इस पॉइंट को लोकल मिनिमा कहेंगे, इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा, और इस एफ ए को लोकल मिनिमम और एफ बी को लोकल मैक्सिमम नाम देंगे। तो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है इसके पास एक लोकल मिनिमा होगा, है जो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, किसी एक पॉइंट ए पर इस पर लोकल मिनिमम है। इसका मतलब इफ इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई कंटेनिंग दिस ए यहां पर हम और प्रिसाइज है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, टेक this interval is open, there exists an open interval I containing a such that, कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेव होना चाहिए, ये f of a जो है वह हमेशा छोटा रहे किससे,
एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई, ये लोकल मिनिमम की बात है नंबर एक। सेकंड डेफिनेशन, फंक्शन एफ हैज ए लोकल मैक्सिमम, हैज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू से एक्स इक्वल टू बी, बी ले लेते हैं। इफ सेम इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग बी, कंटेनिंग बी, और कैसा होना चाहिए, सच दैट, अब एफ ऑफ बी हमेशा किससे बड़ा हो, बाकी जो भी पॉइंट है, एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। इसे हम हमने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम डिफाइन करा। अब एक बार डेरिवेटिव की बात करते हैं, कैसा दिखेगा। अभी हमने एक फिगर देखा था, एक ग्राफिकल नोटेशन से ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करा था इसे। अब देखते हैं यहां पर जो जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है ए और बी पर, वहां पर डेरिवेटिव कैसा बिहेव करता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। यहां पर ए पॉइंट है, इधर ये बी पॉइंट है। डेरिवेटिव मीन्स, डेरिवेटिव एट ए मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मीन्स ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के इस पॉइंट ए कॉमा एफ ए पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसका स्लोप। अब इस पर टेंजेंट लाइन कैसी बनेगी, इस पर टेंजेंट लाइन बनेगी ऐसे, और आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब एफ डैश ए इक्वल टू जीरो। यहां पर बी पर, हमारे पास के बी पर, फिर देखते हैं बी को मैं एफ बी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फिर से क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड करा, एफ डैश बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है। तो इधर से ज्योमेट्रिकली हम देख पा रहे हैं इसको, इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट बना, थ्योरम है, हमारे पास थ्योरम है, एक रिजल्ट प्रूव करेंगे जो बोलेगा कि किसी पॉइंट ए पर अगर लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर एफ डिफरेंशिएबल है, इन दैट केस एफ डैश ए इक्वल टू जीरो। सपोज एफ हैज ए लोकल से लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू बी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल, मतलब एफ वहां पर डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू बी। दो चीजें हैं, नंबर एक एफ के पास लोकल मैक्सिमम है बी पर, और दूसरा एफ बी पर डिफरेंशिएबल भी है। देन देन एफ डैश बी इक्वल टू जीरो। हमने ग्राफिकली यहां पर देखा कैसे ज्योमेट्रिकल बिहेवियर यहां पर देख, इस ग्राफ से हमने, इस फिगर से हम देख पा रहे हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं।
मान लेते हैं कि एफ के पास हमें दिया है एज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू बी, एज्यूम एफ एज ए लोकल मैक्सिमम, एज्यूम एफ एज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू बी। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि हमें एक इंटरवल मिलेगा, दिस मीन्स इसका मतलब हमें एक इंटरवल मिलेगा एन ओपन इंटरवल आई मिलेगा सच दैट, और ये आई कंटेन करेगा किसको, बी को, सच दैट बताइए एफ ऑफ बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ बी प्लस एच जो है ये लेस देन इक्वल टू फॉर सफिशियंटली स्मॉल एच फॉर सफिशियंटली स्मॉल एच, हम ये इतने पर बात करते हैं, फॉर सफिशियंटली स्मॉल एच, और इसका मतलब सफिशियंटली स्मॉल एच करें तो एच ये मॉड एच जो है मॉड एच इज स्मॉल, दिस मीन्स इसको अदर वे में कह सकते हैं मॉड एच इज स्मॉल इनफ स्मॉल इनफ सच दैट दिस बी प्लस एच belongs to I, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने कहा कि F के पास लोकल मैक्सिमम है B पॉइंट पर, तो एक हमें इंटरवल मिलेगा I जो B को कंटेन करता है, और ये चीज हो रहा है F of B plus H is then equal to FB for sufficiently small, this H may be positive may be negative, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैं मॉड एच सफिशियंटली स्मॉल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ये यहाँ पर डिफरेंशियबल भी, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कहाँ पर, एट बी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस कोशेंट की बात करते हैं, डिफरेंस कोशेंट की, इस पॉइंट से हमारे पास ये आएगा एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस पॉइंट से हमारे पास आया दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको नाम मैं दे देता हूं, इस पार्ट को नाम वन दे, फ्रॉम वन वी हैव एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास डिफरेंस कोशेंट को अगर हम ले कंसीडर दिस पार्ट, नाउ कंसीडर हमें क्या लेना है, ये चीज देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी डिवाइड बाई एच, अगर ये एच पॉजिटिव होता है, अगर ये एच पॉजिटिव है, देखो ये पार्ट नेगेटिव है ये पार्ट पॉजिटिव है, तो ये पार्ट क्या होगा नेगेटिव व्हेन एच इज पॉजिटिव, दैट इज एच इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम यूज करते क्या लिमिट का, एज लिमिट एच गोज टू जीरो, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और हम इसको बी प्लस एच राइट साइड से आ रहे हैं राइट साइड से, तो क्या होना चाहिए बताइए, एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी डिवाइड बाय एच, और यहां पर हमने कहा एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू बी, तो ये जो राइट हैंड लिमिट है ये किसके बराबर है, एफ डैश बी के, और ये कितना है, क्योंकि ये पार्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो था, तो ये लिमिट लेस देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है।
तो हमने प्रूव कर पाया कि एफ डैश बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां तक ठीक, इसको नाम देते हैं स्टार। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये पार्ट पता है। अब दूसरे पार्ट में राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखा एफ डैश बी, वहां से हमारे पास जैसे इक्वल टू जीरो आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट में ऐसा है, लेफ्ट हैंड में मीन्स हमारे पास ये गिवन है एफ प्लस एफ ऑफ बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ बी दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है, वी नो दिस, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, वी हैव वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग, ये हमारे पास पहले से है। अब डिफरेंस कोसेंट को फिर से बात करूं, कंसीडर दिस पार्ट एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी डिवाइड बाय एच। अब एच जो है वो निगेटिव साइड से आ रहा है, दूसरे से लेफ्ट हैंड साइड से, यहां पर एच निगेटिव है, ये पार्ट निगेटिव है, ये पार्ट निगेटिव है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Whenever this h is negative, जब h negative है तो ऐसा होगा। और left hand limit, अब मैं यहां पर limit की बात करता हूं, limit h goes to zero, अभी हम zero कहां से आ रहे हैं, negative side से, minus, और क्योंकि हमारा function differentiable है, बिल्कुल ये किसके बराबर होगा, एफ डैश बी के, और ये हमेशा पॉजिटिव है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका नाम दो तुम स्टार डैश। नाउ यूजिंग क्या यूज करो, स्टार एंड स्टार डैश, एफ डैश बी जो है लेस देन इक्वल टू जीरो भी है, F dash B greater than equal to zero भी है। This means we have क्या मिलेगा हमें, F dash B equal to zero। ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमने एक चीज यहां पर एक रिजल्ट का यूज करा, उस रिजल्ट को मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिसे आप लोगों ने वेरीफाई करना है। एक रिजल्ट जिसे मैंने यहां पर यूज करा, उस रिजल्ट को आप लोगों ने वेरीफाई करना है। रिजल्ट है, इफ जी फ्रॉम आई टू आर, कैसा फंक्शन है, बी ए फंक्शन सच दैट g of हमने एक फैक्ट यूज करा है इस जगह पर और इस जगह पर, यहां पर इधर से यहां आने पर और इधर से इधर आने पर हमने क्या यूज करा, लिमिट h goes to zero, some function g of h, this is greater than zero if g of h is greater than equal to zero। ठीक, हमने ये फैक्ट यूज करा, और दूसरा फैक्ट यूज करा हमने, लिमिट h goes to zero, g of h is less than equal to zero if g of h is less than equal to zero। ठीक है, ये दो फैक्ट हमने यूज करे हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई दिस फैक्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और किसकी बात करते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल
मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मीन्स वो पूरे इंटर जिस जो फंक्शन का डोमेन है उस पूरे में या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसीलिए वो ग्लोबल नाम है। वहां पर लोकल इसलिए था कि किसी पॉइंट के अराउंड हमें नेबरहुड मिल रहा था और उसमें वो या तो मैक्सिमम था या मिनिमम था। तो यहाँ पर ग्लोबल से मीनिंग वो पूरे डोमेन पर होगी बात। ए फंक्शन एफ, अब देखो यहाँ पर एक इसके डोमेन आई से लेके पूरे फंक्शन एफ इस पूरे यहाँ पर अब हम पूरे डोमेन की बात करेंगे। ए फंक्शन एफ विच इज फ्रॉम एन इंटरवल आई टू आर, और कोई भी सेट हो सकता है, इवन केवल इंटरवल नहीं कोई भी सेट भी हो सकता है। फंक्शन एफ हैज ए ग्लोबल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ कब इफ दिस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। इस फंक्शन के डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एफ ऑफ ए जो है या तो बड़ा है या उसके बराबर है, एफ एक्स या तो बड़ा है या उसके बराबर है, तो इस केस में हम उसे ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। दूसरा फंक्शन, दूसरा भी अब आप जान चुके होंगे कैसे हमने ग्लोबल मिनिमम कहना है, एज ए ग्लोबल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी इफ दिस एफ ऑफ बी ये जो है छोटा होगा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। इस केस में ग्लोबल वाले केस में हमें सब पूरे इंटरवल के सारे पॉइंट के लिए ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये करेगी तो उसे ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे, ये करेगी तो उसे ग्लोबल मिनिमम कहेंगे। एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रियल एनालिसिस में आप लोग इसे पढ़ेंगे। इसे कहते हैं, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उस केस में वो हमेशा अपने एक्सट्रीमम वैल्यू को अटेन करेगा। एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब एक्सट्रीमम मीन्स या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इन दोनों के लिए एक नाम है, मैक्सिमम और मिनिमम का एक नाम एक्सट्रीमम है, दोनों उसमें आ जाएंगे। एक्सट्रीमम मीन्स इधर मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं थ्योरम, एक कंटिन्यूस फंक्शन कहां पर, एक क्लोज्ड इंटरवल में, कंटिन्यूस फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज इंटरवल इस फॉर्म का होगा, ए कॉमा बी फॉर्म का। क्या करता है ये अटेन्स इट्स, अब मैं इस ग्लोबल को ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मानना है ठीक है, ये ग्लोबल मैक्सिमम बेटर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या, इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर हमें पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर एक पॉइंट पर वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा और दूसरे पॉइंट पर वो ग्लोबल मिनिमम होगा। इसका यूज हम आने वाली थ्योरम में करेंगे, आने वाले रिजल्ट में हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इसको आप लोगों ने पढ़ना है, इसका प्रूफ हम यहां नहीं करेंगे, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, रियल एनालिसिस में किसी बुक में आपको मिल जाएगा ये आपका, इसका जो प्रूफ है वो आपके होमवर्क का पार्ट है।
आगे बढ़ते हैं और रोल थ्योरम पर आते हैं। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम कहती है, इसके कंडीशंस क्या है, रोल थ्योरम कहती है सपोज हमारे पास, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है एफ इज जो कि कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूस फंक्शन कहां पर, एक क्लोज इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूस फंक्शन है, नंबर एक बात। दूसरी बात, एफ इज डिफरेंशिएबल भी है, कहां पर डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए बी में, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तीसरी कंडीशन एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, हमारे पास तीन चीजें हैं, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल ए बी में, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, और यहां पर हम हमेशा जो फंक्शन लेते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मींस ये फंक्शन डिफाइंड है दिस क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, और यहां जहां पर कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, देन रोल थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट सी मिलेगा, कहां पर वो सी इस ओपन इंटरवल में होगा, ये ओपन इंटरवल है, और वो कैसा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ग्राफिकली अगर इसे देखें तो क्या कहना चाह रहा है, ग्राफिकली अगर हम इसे देखते हैं तो क्या कहना चाहेगा, हमारे पास एक कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, ए है बी है क्लोज्ड है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम ए कॉमा बी में क्लोज इंटरवल में जहां पर वो कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, तो उसे हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरह का है, हम ओके मान लेते हैं ऐसा फंक्शन है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, पॉइंट ए पर ये वैल्यू है एफ ऑफ ए, और ये सेम वैल्यू यहां पर पॉइंट बी पर है एफ ऑफ बी, और ये एफ ऑफ ए के बराबर है, यहां पर ये ई के बराबर है, तो ये क्या कहता है, ये कहती है, ये रोल थ्योरम कहती है कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी जहां पर एफ डैश सी जीरो, एफ डैश सी जीरो मीन्स किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप जीरो होना चाहिए, इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर हम ए बी के अंदर ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यहां पर देखिए हमारे पास एक से ज्यादा मिल रहे, देखिए इस पॉइंट पर ये सी, इसको मैं सी, ये एक कैंडिडेट हो सकता है सी, यहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा ये वाला कैंडिडेट हो सकता है यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट लाइन है, यहां पर भी जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल व्यू है रोल थ्योरम का, अगर
कि नहीं दो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम दे रहा है, एंड पॉइंट पर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम ले रहा है, तो हमेशा एक पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, मीन्स एक पॉइंट ए और बी के बीच में होगा कहीं पर जहां पर डेरिवेटिव वनिश करेगा, मीन्स डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं पहला केस, पहला केस बहुत ईजी है, केस वन। अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया, फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो उसके इस मामले में कुछ प्रूफ नहीं करना। देखो अगर मेरे पास फंक्शन इस तरह का है, केस वन वाला, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है और ए ये है, बी मेरे पास ये वाला पॉइंट एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक, और ये फंक्शन है एफ ए, इसको मैं टू मान लो, एफ एक्स इक्वल टू टू देता हूं, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसके इस हर एक पॉइंट पर एफ डैश सी जीरो है, इसका तो हमेशा एफ डैश एक्स ही जीरो है। तो पहला वाला केस वन एफ इज कॉन्स्टेंट, देन वी आर डन, हम देखकर इस केस में कुछ प्रूफ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये पहले से एक्स एक्सिस के पहले ले। देखो सेकंड केस, सेकंड जब एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, व्हेन एफ इज ए नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है, जब एफ नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है और एफ कंटिन्यूस भी है एबी में, ठीक है, सो एफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन एबी, एफ इज, देखो यहां पर हमें मालूम है ये सब कंटिन्यूस ऑन एबी। अभी कुछ देर पहले हमने देखा एक थ्योरम, हमने बोला था अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो वो अपने ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम को अटेंड करेगा, इसका मतलब वो वहां पर हमें इस इंटरवल में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर वैल्यू मैक्सिमम है और एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर वैल्यू मिनिमम है, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या वो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम कॉमन पॉइंट हो सकता है, मीन्स देखो ये दोनों कॉमन पॉइंट नहीं होंगे, देखो क्यों, इफ पहले हम लिख लेते हैं यहां से, पहले हम लिख लेते हैं कि एफ कंटिन्यूस है तो इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, देन बाय उसका नाम एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम था, ठीक है, एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या कहता था, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है देन इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, एफ विल अटेन एफ अपना मैक्सिमम और मिनिमम लेगा, एफ विल अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम ठीक है। अब बात आती है कि क्या वो मैक्सिमम और मिनिमम एक ही हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम भी हो और मिनिमम भी हो, अगर ऐसा होता है तो उस केस में फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, अगर एक ही पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट होगा, देखो हम कह रहे हैं किसी एक पॉइंट सी पर, किसी एक पॉइंट सी पर फंक्शन मैक्सिमम है, सी पर फंक्शन मैक्सिमम है, इसका कहने का मतलब एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए कॉमा पी, और हम कह रहे हैं इसी पॉइंट पर मिनिमम भी है तो दिस एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, यहां से क्या आया एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स,
एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स इन ए कॉमा बी. ठीक है, तो इसका मतलब एफ इज कॉन्स्टेंट. तो हम एक ही पॉइंट पर दोनों चीज नहीं हो सकता, मैक्सिमम और मिनिमम. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव कर पाएंगे. हमने कहा कि एक पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं कि एफ ए पर, एफ ए एज्यूम दैट एफ ए इज नॉट ए मैक्सिमम वैल्यू, एफ ए इज नॉट ए मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं एफ ए मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब एफ बी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. इसका मतलब एफ बी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी है. देन यहां से एक्सिमम वैल्यू थ्योरम से, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट, एक पॉइंट होगा कहां पर, इनसाइड दिस ओपन इंटरवल, मींस दिस ए इज लेस देन सी लेस देन बी, सच दैट एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम. इसका मतलब क्या है, सी इज एक्स इक्वल टू सी इज ग्लोबल मैक्सिमम. ठीक है, हमने एक थ्योरम अभी प्रूव करी थी. हमने क्या देखा था कि अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम है और मिनिमम है तो वहां पर जो डेरिवेटिव है वो वैनिश करता है. दिस इंप्लाइज बाय प्रीवियस थ्योरम, तो पहली थ्योरम इससे बिल्कुल जस्ट पहले अभी थ्योरम हमने पढ़ी, वो क्या कहता है, वी हैव, हमारे पास क्या मिला, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, और ये प्रूव करना था. और यहां से हम फिगर से भी देख पा रहे, देखो यहां पर ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है. और हमने यहां पर इसका ग्लोबल मैक्सिमम पार्ट लिया है. ठीक है, जबकि हम ये जो रिजल्ट था, ये जो प्रीवियस थ्योरम था वो केवल लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए भी ट्रू था, और ये उससे भी बड़ा, ये ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के लिए हम बात कर रहे हैं. अगर वो लोकल के लिए ट्रू है तो ग्लोबल के लिए ट्रू होगा. अब बात आती है, अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं और देखते हैं क्या वहां पर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है या नहीं. देखो रोल्स थ्योरम के लिए तीन चीजें थी. नंबर एक, एफ शुड बी कंटिन्यूअस, एफ दिस शुड बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी. ठीक है, नंबर दो, एफ शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. और थर्ड पार्ट था एफ ए इक्वल टू एफ बी. अब हम इसमें ये तीनों पार्ट बहुत जरूरी है. अगर हम इसमें डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. देखो अगर ये किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो हम रोल थ्योरम अप्लाई, हम रोल थ्योरम का जो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो वाला पार्ट है वो नहीं ला पाएंगे. कैसे, फॉर एग्जांपल यहां देखो, एग्जांपल कैसे करेंगे, हमें एक एग्जांपल चाहिए जो कंटिन्यूस हो, जो ये एफ इक्वल टू एफ बी हो एंड पॉइंट पर, और किसी एक पॉइंट पर हम चाह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल ना हो.
और हमने ऐसे रिजल्ट पढ़े हुए किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो वाला। तो हमने मॉड एक्स का एग्जांपल देखा था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ऑन माइनस वन टू वन ले लेते हैं। दिस मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस वन टू वन, ठीक है, ये ठीक है। एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये भी ठीक है। लेकिन हमने अपने पहले लेक्चर में देखा है कि ये मॉड एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, जीरो पर। तो एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां पर हमें ऐसा नहीं मिल पाएगा, हम वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, नॉट कंक्लूड दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो फॉर सी इन माइनस वन कॉमा वन, ठीक है। अब आप देखते हैं इसका 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 ग्राफ कुछ ऐसे सही नहीं बना पा रहा हूं, यहां पर माइनस वन लो, यहां पर वन लो, दोनों पर सेम है, एफ 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 ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन है, तो हमें एफ ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो नहीं मिल रहा। देखो कहीं पर भी यहां पर मिलना चाहिए, ये लोकल मिनिमा है, लेकिन सॉरी ये ग्लोबल मिनिमा भी है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसलिए हमें एफ डैश सी जीरो नहीं मिल पा रहा। तो दिस मीन्स दिस इज ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक अब हम मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम पर आते हैं, क्या कहती है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में आते हैं, देखते क्या स्टेटमेंट है। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, स्टेटमेंट है, सपोज एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मान लेते कि एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन कहां पर, किसमें, क्लोज इंटरवल एबी में। एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल एबी में, एक बार। दूसरा एंड दूसरा क्या है, एफ क्या डिफरेंशिएबल भी है, एफ इज डिफरेंशिएबल कहा, ओपन इंटरवल में, ऑन ओपन इंटरवल एबी। अगर ये दो चीजें हैं देन मीन वैल्यू थ्योरम कहती है देन देयर एग्जिस्ट, यहां पर एक पॉइंट सी मिलेगा, कहां पर, इस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और वो कैसा होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, कैसे ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये थ्योरम क्या कहती है। फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल एबी में, तो हम एक क्लोज इंटरवल ले लेते हैं ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल हमने ले लिया, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल एबी में,
तो एक फंक्शन हम बनाते हैं, ये हमने कुछ ऐसा कोई फंक्शन बनाया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, और साथ में ये क्या कहता है, देन एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये एफ ए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला पॉइंट ए कॉमा एफ ए, ए कॉमा एफ ए पॉइंट यहां पर है, और ये पॉइंट बी कॉमा एफ बी है। इसको थोड़ा आगे, ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या चीज है, ये हमने पहले देखा है, पहले लेक्चर में देखा है, ये है स्लोप ऑफ सिकेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाली जो सिकेंट लाइन है उसके स्लोप है इस लाइन का। देखो ठीक है, किस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का, ये जो सेकेंड लाइन है जो ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी से जा रही है, इस लाइन का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। इसको मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ सेकेंड एल इज क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये रोल ये मीन वैल्यू थ्योरम हमें पहले से बताती है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा ए और बी के बीच में जिसका टेंजेंट का स्लोप इस सिकेंट के स्लोप के बराबर होगा। इसका मतलब जहां पर टेंजेंट इस सिकेंट लाइन के पैरेलल होगी, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ओके ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर पॉइंट सी है, इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है वो इस सिकेंट के पैरेलल है, ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी को मिलाने वाली जो सिकेंट है उसके पैरेलल स्लोप है, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, प्रूव करते, प्रूव बहुत इजी है और इसमें रोल थ्योरम का यूज करेंगे। प्रूफ इसी फिगर से इंस्पायर्ड है, देखो ये 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 जो सिकेंट है इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो मान लेते लेट जी एक्स बी the equation of secant line joining a comma f a and b comma f b, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है secant line उसको हम gx से लिखते हैं, तो वो क्या है, कैसे कैसे बनेगा हम जानते हैं, gx minus एफ ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, यह हमारे पास जी एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, दिस इंप्लाइज जी एक्स इक्वल टू क्या, एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब यहां पर एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बहुत इजी सी ट्रिक है, यहां पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एच, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, देखो ये f कंटिन्यूस फंक्शन है, ये g कंटिन्यूस फंक्शन है,
ये लाइन की क्वेश्चन है, जी लाइन की क्वेश्चन है, एफ ये है। हमने पढ़ा है दो फंक्शन कंटिन्यूस है, उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, एच भी कंटिन्यूस है, ये एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल लेवल में, और ये लाइन है लीनियर, हमने देखा था लीनियर फंक्शन एम एक्स प्लस बी फॉर्म का डिफरेंशिएबल होता है, जी भी डिफरेंशिएबल है, और दो उनका डिफरेंस ये भी डिफरेंशिएबल होगा, मींस एच इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल में भी, एच इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल में भी, दो चीजें हमारे पास होगी। तीसरी चीज देखते हैं एच ए और एच बी क्या है, व्हाट इज एच ए, एच ए इक्वल टू देखो ये एफ ए माइनस जी ए, एफ ए माइनस जी ए, जी ए क्या है, यहां से इसको इसको कंप्यूट करते हैं, एफ ए माइनस जी ए की वैल्यू आएगी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू ए माइनस ए, ए माइनस ए जीरो हो गया, एफ ए माइनस एफ ए जीरो हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। एच बी निकालते हैं, एच बी वो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। देखो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हुआ, ठीक है, ये एफ बी माइनस एफ ए और एफ बी माइनस एफ ए, दिस इज इक्वल टू अगेन जीरो, यहां से हमें मिला एच ए इक्वल टू एच बी, दोनों जीरो। यहां से हमने क्या कंक्लूड करा, हमें मिलता है एच इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एच इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड थिंग एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। देन बाय रोल्स थ्योरम, अभी हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी, रोल्स थ्योरम क्या कहती थी, देन बाय रोल्स थ्योरम एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जो कैसा होगा, जहां पर डेरिवेटिव एच का वेनिश करेगा, एच डैश इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब एच डैश सी देखते क्या है, तो एच डैश सी इक्वल टू एच डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू जी डैश सी, और जी आपके पास ये है, इसका डिफरेंस इसका इसका डेरिवेटिव करें तो ये पार्ट जीरो हो गया, और इसका डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, तो जी डैश सी क्या है, जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, हमें मिल गया यहां से एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही हमने प्रूव करना था, और मीन वैल्यू थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ कंसिक्वेंसेस देखेंगे, कैसे एप्लीकेशन इसकी।